भाई पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ कैसे बनता है इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे बनता है। अगर हम कोई जगह प्रिंट आउट निकालने के लिए जाते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या ये पीडीएफ में है, तो हम कहते हैं नहीं है, तो कहते हैं कि पीडीएफ में इसको पहले लेकर आओ तब प्रिंट आउट निकाल देंगे आसानी से। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए पीडीएफ फाइल बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है फोटो पीडीएफ कन्वर्टेड या कन्वर्ट, दोनों में से आप कुछ भी सर्च कर लो। अब पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म है। अब पीडीएफ जो है शॉर्ट नेम है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना रहेगा, तो इसमें जो पीडीएफ आप बनाओगे कोई भी जगह आसानी से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो जो कि हाई क्वालिटी के साथ। इसको आप ओपन कर लेते हैं, इस प्रकार कुछ इसका इंटरफेस रहेगा। ऐड पे आपको क्लिक करना है, ऊपर ऐड पे, ऐड पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से जो जो फोटो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो। पीडीएफ बनाने के लिए आप इसमें मैक्सिमम 200 फोटो तक सिलेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ बनाने के लिए आप इसमें 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40, 50 जितना भी फ़ोटो का पीडीएफ बनाना है बना सकते हो, और इसकी क्वालिटी बहुत हाई रहेगी, फ़ोटो की क्वालिटी नहीं जाती है पीडीएफ में बनाने में। आप इससे आसानी से और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जो जो आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है गैलरी में से कर लेना, मैं आपको दिखाने के लिए कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा डन का ऊपर में, तो आप डन कर देने का, जो भी आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। तो आपको अभी नीचे कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक करना है, तो वो अभी कन्वर्ट हो रहा है पीडीएफ फाइल में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है, आप इसको आसानी से प्रिंट आउट भी करा सकते हो। अब देखो इसको ओपन करना है, ओपन गूगल ड्राइव में करने का, ड्राइव पीडीएफ में करने का क्लिक। हाँ देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, फोटो को जूम करके क्लियरिटी थोड़ा भी नहीं जाएगा। और पीडीएफ का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखो क्लियर होने में टाइम लग रहा है पर इसकी क्वालिटी नहीं जा रही है इमेज की। कभी भी आप कुछ भी प्रिंट आउट निकालना पहले पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर लेना, तब उसको जाके प्रिंट आउट निकालना, आसानी से निकल जाएगा। और जो जेपीजी फोटो रहते हैं सबकी क्वालिटी घट जाती है। आप इसको व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल नेटवर्क पे भी शेयर कर सकते हो। मैंने तो 10 पेज का पीडीएफ फाइल बनाया है, आप इसमें मैक्सिमम 200 पेज तक का बना सकते हो, इसमें लिमिट 200 पेज का ही है। और एक मैंने वीडियो बनाया है गूगल ड्राइव से कैसे पीडीएफ बनाते हैं, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी बना सकते हो। पीडीएफ फाइल बनाने का दो तरीका है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया और सेकेंड गूगल ड्राइव से बनता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप देखना चाहो तो उससे देख सकते हो। अभी फाइल मैनेजर में दिखा दे रहा हूँ कौन से फाइल में आएगा ये। देखिए इस फाइल में आया है और ये 31 MB का है, ओपन करते हैं देखते हैं इधर पे भी। देख लो यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो, क्वालिटी नहीं घटने वाली है आपको व्हाट्सएप पे। चलो मैं आपको शेयर करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रिंट आउट निकालना है ना, तो कोई अगर आपको फ़ोटो भेजे ना तो उसको बोलने का पहले पीडीएफ में बना के मुझे भेजो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो प्रिंट आउट और हाई क्वालिटी के साथ। व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ किसी को, जैसे कि शिवम को शेयर करता हूँ मैं, जो इसको देखिए यहाँ से चला जाएगा, पर मैं इसको भेजूंगा नहीं आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब बस इस वीडियो में इतना।